हरियाणा के किसानों ने प्रदेश भर में टोल फ्री करवाकर भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया। हिसार में मैमियड़, सरसौद, चौधरीवास, लांदड़ी टोल नाकों को फ्री करवाया गया। किसान आज हिसार के सभी टोल नाकों पर पहुंचे और सभी टोल नाकों को फ्री करवाया। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। आज हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश दिया था 25, 26 और 27 तारीख को सभी टोल फ्री कराए देंगे, उसी आदेश के अनुसार हमने हमारी हिसार जिला की कार्यकारिणी के अध्यक्ष होने के नाते और मुख्य कार्यकर्ता होने के नाते हमने चारों टोलों को बंद करके रख दिया। यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी हांसी तहसील की और हिसार की है। हांसी और हिसार के गणमान्य किसान और मजदूर साथी रात 10 बजे हमारी एक टीम यहाँ पर आ ली और 12 बजे इस टोल को हमने बंद कर दिया, फ्री कर दिया था। 25, 26 और 27 तारीख तक लगातार 3 दिन तक 72 घंटे तक टोल फ्री चलाए जाएंगे, जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश है। इसके साथ साथ ऊपर से जो हमारे को आदेश आया है, हमने जयपुर दिल्ली हाईवे साझा के ऊपर और मजबूती दर्ज कराने के लिए और एक साइड अभी भी वहां पर खाली चल रही है, किसानों ने जाम कर रखी है, उसको बंद करने के लिए, जाम करने के लिए 27 तारीख को जिला हिसार के हजारों किसान मिनी सेक्रेटरी हिसार और मुंडाल में जत्थे बना करके साझापुर बॉर्डर के लिए कूच करेंगे ट्रैक्टर ट्रालियों में। जब तक मोदी सरकार बाइज्जत तीनों काले कानूनों समेत बिजली का और पराली जलाने पर 1 करोड़ जुर्माना और 5 साल की सजा, ये 5 खतरनाक कानूनों को बाइज्जत वापिस नहीं ले लेते और किसानों से इस गलत कारगुजारी की, धोखेबाजी की माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे देश के किसान और मजदूर को हमने कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। सर, बार बार टोल, पहले भी टोल बंद किया गया था और उसके अंदर कई टोलों पे है ना, फिर भी पैसे कट रहे थे, क्या अब की बार भी ऐसा ही रहेगा? अब की बार ऐसा नहीं रहेगा। हमने इनको खुली चेतावनी दे दी है, अगर धोखे से किसी भी गाड़ी वाले के फास्टैग से 25 पैसे भी अगर कट गए तो वही टोल अगले 72 घंटे के लिए फ्री चलेगा। हम 1 पैसा किसी का नहीं कटने देंगे, हम इससे वाकिफ हो चुके हैं। एक सर, आज 40 सदस्यों की कमेटी भी बुलाई गई है मीटिंग के लिए मंत्रियों ने, तो क्या लगता है आपको, कोई बासी चढ़ पाएगी? देखो जी, हमारा तो 500 किसान और मजदूर संगठनों का जो शीर्ष नेतृत्व है और उसकी 40 सदस्यीय जो कमेटी है, शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है वो फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके ऊपर तो हम कोई टीका टिप्पणी करते नहीं। लेकिन सरकार किसान और मजदूर भाइयों को इस आंदोलन को अलग थलग करने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं पर किसी पर किसान का लेबल लगा देती है, किसी पर किसी प्रकार का लेबल लगा करके ये कहते हमने किसानों से बात कर ली। इस धोखे में देश का किसान मजदूर आने वाला नहीं है। हम किसी भी शर्त के ऊपर आंदोलन को बिगड़ने नहीं देंगे और सरकार की इन चालाकियों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो सर, अब आगे का क्या कुछ रहेगा? 3 दिन बाद, 3 दिन बाद हम 27 तारीख को वहाँ जाएंगे और दिल्ली को चारों तरफ से जाम करने के लिए ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, हल्का लेवल पर, जिला लेवल के ऊपर हमारी कमेटियां हैं। जन आंदोलन बन चुका है। हर आदमी को, हर महिला को, हर मजदूर, हर किसान, हर कर्मचारी को, मध्यम वर्गीय और गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले सब भाइयों को आंदोलन से जोड़ने के लिए रात दिन हमारी टीम लगी हुई है। हम आंदोलन को जो अब आंदोलन दिखाई दे रहा है इससे भी 10 गुना ज्यादा बड़ा और मजबूत करने के लिए हमने रणनीति तैयार कर ली है। नाम और पद बता दो जी। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, मैं किसान सभा का जिला प्रधान हूं और अखिल भारतीय किसान मजदूर समन्वय संघर्ष समिति का भी मेरे को जिला अध्यक्ष का काम सौंपा गया है। ठीक है।